अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, जिसके लिए हम सबसे पहले बना रहे हैं यखनी। यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी और इसमें डालूंगी अब मैं चिकन। ये मैंने इसमें डाल दिया चिकन और अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच नमक टेस्ट के लिए, और साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर सूखा धनिया और इसे कवर करके रख दूंगी बॉईल होने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारी यखनी तैयार हो चुकी है, पानी बॉईल हो रहा है और ऑयल भी आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चावल, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं, मैंने सोख करके रख चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज को चॉप कर लिया है, यहाँ पे है अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें। मसाले में मेरे पास है काली मिर्च, नमक और साथ में है लाल मिर्ची पाउडर। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज हमने करने हैं फुली ब्राउन, जो कि हो चुके हैं, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ बाकी चॉप किया हुआ सामान, जो कि टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें थी। मैं इन्हें अच्छी तरह से प्याज के साथ ही भून लूँगी, क्योंकि प्याज कम्प्लीटली ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ये डाल के इसे अच्छे से भून रही हूँ। और इसमें अब डाल रही हूँ मसाले। मसाले मैंने लिए हैं लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने ले लिया है साथ में गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, तो बॉइल्ड चिकन मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, जो मैंने यखनी में तैयार किया था, जो उबला हुआ चिकन था यखनी से, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और मैंने अब इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, इसको भून रही हूँ अच्छे से, और जैसे ही अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। अब चिकन भून चुका है, तो मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कर दी यखनी ऐड। अब मैंने इसे कवर करके तब तक के लिए रख देना है कि इसके अंदर बस जोश आ जाए, ये जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। ये देखें, इसमें जोश आ चुका है, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। इसके अंदर अब मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से हिला कर कवर करके रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए, बल्कि 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी। देखिए, मैंने इसको अनकवर किया है, हमने इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है और फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छे से दम लगा कर रख देना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि पानी ड्राई नहीं हुआ तो कर लूँगी। अब पानी ड्राई हो चुका है, तो मैं इसे दम लगा रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। मैं दम खोल चुकी हूँ। आप देखें, चावल रेडी हो चुके हैं, खुशबू अच्छी आ गई है। हम इसे अच्छे से पहले चावलों को मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका कलर निकल आए, इसकी अच्छी सी शक्ल आ जाए। आप देखें, खुशबू मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी आ रही है, इसका मतलब कि हमारे चावल बहुत मज़े के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करके डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पर। हमारा चिकन पुलाव रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।